नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे अपने मन की बातें शेयर करना चाहता हूं ताकि मैं अपना थोड़ा सा बोझ हल्का कर सकूं, आपसे मोटिवेशन ले सकूं। वैसे मैं इस तरह के वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वीडियोस को बनाना पड़ता है। आपको तो केवल वीडियोस ही दिखाई देती हैं, पर इसके पीछे क्या चल रहा होता है, एक यूट्यूबर, खासतौर से वो जिनका चैनल साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, वो किस परेशानियों से गुजर रहा होता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। अभी मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो काफ़ी लेट आई, मैं वीडियोस को अपलोड ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि YouTube ने अपलोडिंग को ही डिसेबल कर दिया था। इसकी वजह थी YouTube ने मेरे दो और वीडियोस को भी डिलीट कर दिया और चैनल पर पेनल्टी लगा दी। और आप बोलते हैं कि टेकचिप चैनल पर एथिकल हैकिंग की वीडियोस नहीं आती, तो आप ही बताइए कि मैं कैसे पोस्ट करूँ ये। वैसे ये मेरे साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, साल में बस कुछ ही महीने ऐसे होते होंगे जब चैनल पर कोई एक्टिव स्ट्राइक नहीं होती होगी। ऐसा पिछले 4 सालों से चलता आ रहा है। मैं कैसे ना कैसे चैनल को बचाने की कोशिश करता रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत मेहनत लगती है चैनल को एक अच्छे स्टैंड पर लाने के लिए। कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा और उनमें से कुछ लोग चाहते भी होंगे कि चैनल टर्मिनेट हो जाए, पर बहुत से लोग हैं जिन्हें चैनल की परवाह है, वो इससे सीखते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से चैनल अभी तक है। पता नहीं YouTube की पॉलिसीज कैसे काम करती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें मैंने बताया था कि रसबरी पाई पर काले लिनक्स में टर्मिनल की मदद से वाईफाई को कैसे कनेक्ट करते हैं। अब इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है ना, हम केवल अपनी डिवाइस को अपनी वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं टर्मिनल की मदद से। अब अपनी डिवाइस को अपनी वाईफाई से कनेक्ट करना कोई हैकिंग तो नहीं होती। पर इस वीडियो को YouTube ने डीमोनेटाइज कर दिया, जिससे कि मैं इससे कुछ भी ना कमा सकूं। उसके बाद इस पर एज रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी ताकि इस वीडियो को 18 साल से कम एज वाले लोग ना देख पाएं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए खतरा हो सकता है। बहुत बढ़िया। और ख़ास बात तो ये कि मैंने इसके अगेंस्ट अपील की, मैनुअल रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया, पर वो भी रिजेक्ट कर दी गई। जबकि मैंने इस वीडियो में कुछ भी ना तो गलत बोला है ना ही बताया है, डिस्क्रिप्शन भी यूट्यूब के पॉलिसीज के हिसाब से है, टैग्स भी मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही डाले हैं, कहीं पर भी हैकिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन सब के बावजूद ये रिजल्ट है, आप इसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये केवल काले लिनक्स और ब्लैक स्क्रीन पर कुछ कमांड देखते हैं और मान लेते हैं कि ये हार्मफुल कंटेंट है, फिर वो या तो वीडियो को डीमोनेटाइज कर देते हैं, एज रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, या फिर वो पूरे वीडियो को ही उड़ा देते हैं। और ऐसे कोई एक दो वीडियो नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। जैसे कि ये देखिए, विंडोज 10 पर WSL इंस्टॉल करने के वीडियो को भी इन्होंने डीमोनेटाइज किया हुआ है और एज रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है। कोई फायदा नहीं है ऐसे वीडियोस को बनाने का, इससे अच्छा तो वो लोग हैं जो कीबोर्ड की कीज़ के नाम बताकर ही मिलियंस व्यूज़ पा लेते हैं। और एक हमारे जैसे चैनल्स हैं जो कि डीप और यूजफुल नॉलेज लोगों तक पहुंचाते हैं, पर उन पर व्यूज़ ही नहीं आते, ऊपर से स्ट्राइक मिलती है और ऐसे प्रतिबंध भी लग जाते हैं। अब आप ही बताइए इससे कोई बंदा डीमोटिवेट होगा या नहीं। तभी लोग वीडियोस पर व्यूज़ लाने के लिए और अर्निंग के लिए तरह तरह के दूसरे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि वो कोर्सेज को सेल करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ को डालते हैं जहाँ पर पैसा आपकी जेब से जाता है, या YouTube पर व्यूज़ लाने के लिए क्लिक बेटिंग करते हैं। तो जिनको लगता है कि हमारे जैसे चैनल्स बहुत कमाते होंगे, वो ये वीडियो एक बार जरूर देखें। हाँ, यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कमाया है, बहुत कमाया है इससे, पर रुपये या डॉलर नहीं, आप लोगों का प्यार, रेस्पेक्ट और सपोर्ट, ये मैंने पैसों से ज़्यादा कमाया है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, हमारे चैनल का फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्या हमें चैनल को एक नई दिशा देनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि आप मेरे जो भी वीडियोस को देखते हैं, आप उनको अपने टेलीग्राम, व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर कर दिया कीजिए। इसमें आपके कोई पैसे या ज़्यादा समय खर्च नहीं होता, पर चैनल को थोड़ा वो सपोर्ट मिलता रहता है। और वीडियोस को लाइक भी कर दिया कीजिए ताकि हमारी वीडियोस भी YouTube के एल्गोरिथम में बनी रहे। बस यही कुछ बातें और जानकारियाँ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आपको भी इनके बारे में पता होना चाहिए कि चैनल किस स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि हम सभी चैनल के मेंबर हैं और एक परिवार हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। यदि चैनल सलामत रहेगा तो मुलाकातें होती रहेंगी। नमस्कार।